अगर आपने जवान मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि उसी मूवी के रेफरेंस से हम इस वीडियो को समझेंगे। एक ऐसी कंट्री जहां पर जो आउटस्टैंडिंग एग्रीकल्चर लोन है फॉर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स वो 18.4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से तकरीबन हर रोज 30 से भी ज़्यादा किसान जो हैं वो अपनी जान दे देते हैं। लेकिन सुभाष चंद्रा जैसे देशभक्त जो कि जी टीवी के फाउंडर भी हैं, उनका 5000 करोड़ का जो लोन है वो यस बैंक ने माफ कर दिया है। जहां एक तरफ वो नए डील्स और मर्जर्स कर रहे हैं सोनी के साथ, वहीं दूसरी तरफ वो भूल गए हैं कि उन्हें एक लोन भी चुकाना है। बट एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। तो आज ही हमारे वीडियो में हम बात करेंगे इस लोन वेवर की, और इसके साथ साथ समझेंगे कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं ये होती कौन है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुभाष चंद्रा की, जो कि एक इंडियन बिलियनर और मीडिया बैरन है। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द एसेल ग्रुप, जो कि एक इंडियन मीडिया कॉन्ग्लोमरेट है, और उन्होंने फाउंड किया था जी टी वी को इन 1992। अगर हम उनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो उन्हें चुना गया था एज अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस फॉर द हरियाणा स्टेट इन द 2016 राज्यसभा इलेक्शन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जिन्हें सपोर्ट किया गया था बाय द लेजिस्लेटर्स फ्रॉम द बीजेपी। और 31 मई 2022 को सुभाष चंद्रा ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था फ्रॉम राजस्थान फॉर इलेक्शंस टू द राज्यसभा एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बैक बाय द बीजेपी, लेकिन वो इलेक्शंस हार गए थे। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि जो सुभाष चंद्रा है, जिनके लिए 5000 करोड़ का जो लोन है वो वेव कर दिया है, वो कौन है। लेकिन अगर हम इस लोन की बात करें कि उन्होंने ये लोन कब लिया था, तो 2016 के अंदर सुभाष चंद्रा ने इस लोन को लिया था फ्रॉम द येस बैंक अगेंस्ट द शेयर्स ऑफ डिश टीवी एंड सम रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़। लेकिन जब कुछ टाइम तक ये देखा गया कि वो अपना लोन जो है वो रीपे नहीं कर पा रहे थे, देन अ पार्ट ऑफ दिस प्लेज, यानी जो उन्होंने गिरवी रखवाया था उसका जो एक पार्ट था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था टू जे सी फ्लावर्स ARC, जो कि एक एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी है। अब ये ARC यानी एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, इसका क्या काम होता है, इसके बारे में डिटेल में मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सुभाष चंद्रा ने जो कुछ गिरवी रखवाया था उसका जो एक पार्ट है वो जेसी फ्लावर्स ARC को ट्रांसफ़र कर दिया गया था, और इसको ट्रांसफ़र करने के बाद अब ये जो येस बैंक है ये ओन करता है 9.99% स्टेक इन दी ARC। तो ये जो SL ग्रुप की कंपनीज हैं, दे हैड अ लार्ज एक्सपोजर टू जेसी फ्लावर्स ARC ऑफ ₹6,500 करोड़। सो कुछ टाइम पहले जो सुभाष चंद्रा है वो इस कंपनी के पास गए थे कुछ ऑफर लेके कि कैसे भी हम इस लोन को जो है वो सेटल कर सके, और इस पूरे प्रोसेस में लगभग एक महीना लग गया था। लेकिन फिर भी जो दोनों पार्टीज थी वो अग्री कर गई थी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे कि कैसे हम इस पूरे लोन को जो है वो सेटल कर सकते हैं। सो ये डिसाइड हुआ था कि ये जो पूरा पेमेंट है ये फेजेस के अंदर दिया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली उस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो वापस से ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। बट कुछ दिन पहले ही ये देखा गया कि येस बैंक के जो शेयर्स हैं वो अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और देखा जा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या रीजंस हैं। तो पता चला कि 2 साल से जो डेट को रीपे करने की स्ट्रगल चल रही थी इन दी एसेट रीस्ट्रक्चरिंग आर्म ऑफ येस बैंक, वो जो है अब ख़त्म होने वाली है। और ये खबरें आने लगी कि येस बैंक का जो ARC है इट हैज़ मेड अ 75% रिडक्शन। इसका मतलब ये है कि सुभाष चंद्रा को अब सिर्फ 1500 करोड़ का लोन ही देना है, जो उनका टोटल 6500 करोड़ का लोन था जो उन्हें देना था येस बैंक के ARC को, उसमें 75% जो है वो वेव ऑफ कर दिया गया है, यानी 5000 करोड़ जो हैं वो वेव ऑफ कर दिए गए हैं, और अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ 1500 करोड़ ही देने हैं जो उन्हें एक बार में देने होंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों ये इतनी बड़ी बात है, कैसे हज़ारों करोड़ों रुपए जो हैं वो ऐसे ही वेव ऑफ कर दिए गए हैं। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अभी तक येस बैंक की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस रिगार्ड में नहीं आया है, ये सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, और ये रिपोर्ट्स चालू हुई थी तब जब येस बैंक के जो शेयर्स हैं वो अचानक से बढ़ गए थे, कंसेक्यूटिवली जो है बढ़ते हुए दिख रहे थे। लेकिन काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का कहना है कि जितनी तेज़ी से ये शेयर्स ऊपर गए हैं वो नीचे भी घट सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ARC की, ये ARCs कौन होते हैं और ये इतने इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं बैंक्स के लिए। सो ये जो ARCs होते हैं विच इज़ एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि खरीदते हैं NPAs या फिर बैड एसेट्स फ्रॉम दी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो बैंक को हेल्प कर सकें इन क्लियरिंग अप देयर बैलेंस शीट्स। इन शॉर्ट जो ARCs होते हैं वो एक ऐसा बिजनेस होता है जिसके अंदर वो बैड लोन्स खरीदते हैं फ्रॉम दी बैंक्स।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बैड लोन्स, ये NPAs विच इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये एक्चुअली में होता क्या है। तो ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, ये बेसिकली एडवांस होता है, एक लोन होता है जो कि ओवरड्यू हो जाता है फॉर मोर देन 90 डेज। एंड अकॉर्डिंग टू RBI, कोई भी एसेट जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट तब बन जाता है जब वो कोई भी इनकम जनरेट नहीं कर पाता है बैंक्स के लिए। सो आई होप कि अब आप लोग समझ गए हैं कि ये जो ARCs हैं, ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, ये एक्चुअली में क्या कर रही हैं। ये बैंक्स के जो भी NPAs होते हैं, जो भी बैड लोन्स होते हैं, यानी वो लोन्स जो कि लोग वापस नहीं कर पा रहे हैं, वो बैंक से जो है वो खरीद लेती हैं। अब क्या होता है, बैंक ने इन्हें बेच दिया है, अब ये इनकी जिम्मेदारी है कि कैसे ये उन लोगों से जो है अपना लोन वापस ले लें। इससे क्या हो रहा है, बैंक को क्या हेल्प मिल रही है, एक तो वो अपना प्रॉब्लम जो है वो ARCs को दे देते हैं, ऊपर से अब वो फोकस कर सकते हैं ऑन दी बैंकिंग एक्टिविटीज़। लेकिन ये जो ARCs है वो आए कहाँ से, तो इसका जो ओरिजिन हुआ था वो हुआ था सार्फेसी एक्ट 2002 के अंदर। तो ये जो सार्फेसी एक्ट है, विच इज़ दी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, इसे इनैक्ट किया गया था दिसंबर 2002 के अंदर, जो कि प्रोवाइड करता है लीगल बेसिस फॉर दी सेटिंग अप ऑफ ARCs इन इंडिया। और इस एक्ट का जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 और सेक्शन 3 है वो इन्हीं से डील करता है। अगर हम सार्फेसी एक्ट की बात करें तो ये एक ऐसा लेजिस्लेशन है जो कि अलाउ करता है बैंक्स को और बाकी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को कि कैसे वो बैड लोन्स जो हैं उन्हें इफेक्टिवली रिकवर कर सकते हैं। और इसीलिए इस एक्ट को यूटिलाइज किया जाता है ताकि टैकल की जा सके दी प्रॉब्लम्स ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स। और इसीलिए ये जो एक्ट है ये हेल्प करता है इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बैड एसेट्स विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। और क्योंकि अब ये जो ARCs हैं दे आर फॉर्म्ड इन लार्ज नंबर्स एंड आर रजिस्टर्ड विद द RBI, तो उनके पास पावर आ गई है टू रेगुलेट द ARCs। बट आई वॉज वंडरिंग कि जो ARCs हैं उनको फंडिंग कहाँ से मिलती है, क्योंकि वो इतने घाटे का सौदा करती हैं, इतने बैड लोन्स जो हैं उन्हें बैंक से ले लेती हैं, तो उनके पास पैसा कहाँ से आता है ये सबको मैनेज करने का। तो ये जो फंडिंग है वो उन्हें मिलती है बाय इशूइंग बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। सो ARCs का जो यूनिक सोर्स ऑफ फंड है वो है इशू ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स। तो सार्फेसी एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो सिक्योरिटी रिसीट्स हैं दे आर इशूड बाय अ रिकंस्ट्रक्शन कंपनी टू एनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स फॉर अ पर्टिकुलर स्कीम। और ये जो सिक्योरिटी रिसीट है ये उस होल्डर को यानी QIB को राइट टाइटल और इंटरेस्ट देता है इन द फाइनेंशियल एसेट दैट इज बॉट बाय द ARC। और ये जो सिक्योरिटी रिसीट्स ARC इशू करता है दे आर बैक्ड बाय इम्पेयर्ड एसेट्स। अब हम बात कर लेते हैं उन रूल्स की विच आर रिक्वायर्ड फॉर दी एक्यूजेशन ऑफ एसेट्स एंड इट्स वैल्यूएशन बाय दी ARCs। तो जो सार्फेसी एक्ट है वो परमिट करता है इन ARCs को कि वो एक्वायर कर सके फाइनेंशियल एसेट्स को थ्रू एन अग्रीमेंट विद दी बैंक्स। और इसके बाद ये जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दे में रिसीव बॉन्ड्स डिबेंचर्स इन एक्सचेंज फॉर दी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो कि उन्होंने ट्रांसफर कर दिए थे टू दी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। अब हम बात कर लेते हैं उन रिजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज की जो कि ये ARCs फॉलो करेंगे वाइल रीस्ट्रक्चरिंग दी एसेट्स। तो ये जो हमारा सार्फेसी एक्ट है ये काफ़ी सारे मेजर्स जो है वो बताता है जो कि ARCs जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये क्या कर सकते हैं, दे कैन टेक ओवर या फिर वो मैनेजमेंट चेंज कर सकते हैं ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोअर। इसके अलावा वो सेल कर सकते हैं या फिर लीज कर सकते हैं बोरोअर के बिजनेस को। थर्डली दे कैन एंटर इंटू अ सेटलमेंट या फिर रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, रीशेड्यूल कर सकते हैं डेट को। एंड लास्टली दे कैन एनफोर्स द सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब ये जो लास्ट स्टेप है विच इज़ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इसका मतलब ये है कि जो ARCs हैं वो या तो पोजेशन, सेल या फिर लीज पे दे सकते हैं दी सपोर्टेड एसेट्स जैसे कि लैंड या फिर बिल्डिंग। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।